हेलो स्टूडेंट, आज जैसा कि आपका एग्ज़ाम आज था, एक जिनका मार्केटिंग और एचआर है, तो आज एक एग्ज़ाम फिनिश्ड हो गया। नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका 17 का है, 17 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इस 17 के एग्ज़ाम में सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर करना है, आज का डे दो जो है वो उसे वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। आज के डे में हमें क्या चैप्टर ख़त्म कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट हैं, देर आर टू टाइप, और टू टाइप से भी ज़्यादा हो सकते हैं। मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा, जो जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो कर लेगा क्वेश्चन स्टार्ट। एक होता है जिसने कि पूरा सिलेबस कर लिया है, सर फुल सिलेबस कंप्लीट करके बैठा है, और एक हो वो स्टूडेंट है जिसने कुछ आधा अधूरा पढ़ा है, मतलब हाफ मैं मान लेता हूँ, और एक स्टूडेंट है जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो जिसने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया सर, उसको आज की डेट में लीवरेज करना है। जिसने आधा करा है उसको भी सर आज की डेट में लीवरेज करना है, और जिसने कुछ भी नहीं करा उसको भी सर आज की डेट में लीवरेज करना है। जिसने फुल सिलेबस कंप्लीट कर लिया उसको लीवरेज तो करना है, साथ के साथ आपको ईबीआईटी भी करना है। ईबीआईटी भी आज ही खत्म होना चाहिए, आज ही आपका ये फिनिश होगा, क्योंकि बाकी के 3 दिन जो बचे हैं ना उसके अंदर रिविजन का टाइम होगा। सर जिसने हाफ कर रखा है सर, उनको आज की डेट में आपका, जिसने थोड़ा बहुत भी कर रखा है वो आज की डेट में करेंगे वर्किंग कैपिटल, सॉरी आज की डेट में वो करेंगे ईबीआईटी के बाद, आज की डेट में वो करेंगे सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसने आधा अधूरा कर रखा है। अब सर लीवरेज तो हर बच्चों ने कर रखा है, अब जिसने नहीं कर रखा सिर्फ आज लीवरेज पे पूरा फोकस करें, चैप्टर के पीछे भागने की कोशिश ना करें, सिर्फ लीवरेज पे फोकस करें। सर ये काम हो गया हाफ और आधा अधूरे वाले का, लेकिन अभी जिसने पूरा कर रखा है उसका एक और काम है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आज ही निपटाएगा, आज ही निपटाएगा। यानी सर डे वन का काम मिल गया आपको, और डे वन के काम में ये काम आपको कर लेना है। डे वन यानी आज ही आपको ये काम खत्म करना है। आज तारीख है 13, अब बचता है हमारे पास कल का दिन 14। 14 तारीख को जिन्होंने कर रखा है सबसे पहले वो करेंगे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के बाद करेंगे सर डिविडेंड, डिविडेंड के बाद सर उस बच्चे को करना है सर, वर्किंग कैपिटल हो गया, डिविडेंड हो गया, और वैल्यू ऑफ फर्म। ये 3 चैप्टर कल खत्म कर लेने विद प्रैक्टिस, और साथ के साथ जिनका पूरा सिलेबस हो रखा है वो थ्योरी भी करेंगे सर, और थ्योरी के अंदर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा जो मैंने डाले हुए हैं, या 10 ईयर में भी मिल जाएगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है। अब बात कर लेते हैं आधा अधूरा, कल का टाइम है, कल सिर्फ ये स्टूडेंट जो है वो करे वैल्यू ऑफ फर्म, और सर एक डिविडेंड करे। मैं सबके प्लान के हिसाब से लेके चल रहा हूं यहां पर, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। बस जिसने आधा अधूरा कर रखा है ये दो, कैपेसिटी अगर ज्यादा है, जो बच्चा ज्यादा कर पा रहा है, तो मैं सिंपल सी बात करूंगा वो फुल वाले किस चैप्टर को लेके चले, और इसी सीक्वेंस में करिएगा। अब जिसने अभी कुछ पढ़ना ही नहीं स्टार्ट किया सर, वो कल करेगा वैल्यू ऑफ फर्म, कल सॉरी वैल्यू ऑफ फर्म से पहले उसे करना होगा कल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और साथ के साथ वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है वैल्यू ऑफ फर्म। अब 2 दिन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और जो बच्चा पूरा कर रहा है पिछला भी रिवाइज करता जाएगा, 2 दिन कंप्लीट। अब हम पहुंच चुके हैं, आज 13 तारीख है, 13 के बाद 14 तारीख चला गया, अब आ जाते हैं हम 15 तारीख की बात करते हैं। 15 तारीख को जिसका फुल सिलेबस है पूरा कंप्लीट, रिमेनिंग चैप्टर कर लेंगे वो कैपिटल बजटिंग कर लेंगे, और अदर जितने भी चैप्टर है आपके सारे चैप्टर ये कर लेंगे 15 तारीख को। 16 तारीख को सिर्फ थ्योरी पे फोकस रहेगा, 17 को एग्जाम है आपका, 15 को पूरा सिलेबस खत्म हो जाने चाहिए इनका। सर हाफ जिन्होंने कर रखा है या कुछ कम कर रखा है, 15 तारीख को ये वर्किंग कैपिटल उठाएंगे, वर्किंग कैपिटल के बाद सर ये रिसीवेबल मैनेजमेंट करेंगे, और रिसीवेबल मैनेजमेंट करने के बाद ज्यादा टाइम नहीं लगना, उसके बाद ये आ जाएंगे सर कैपिटल बजटिंग करने। वीडियो की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, हाँ अगर आज के दिन ही आपका ये खत्म हो जाता है, मान लो आज बोल रहे हो सर ये दोनों तो कर ही रखा है, तो इसी के अकॉर्डिंगली आपको चैप्टर ऊपर शिफ्ट करना है। और सर जो कुछ नहीं कर रखा था जिन्होंने, उनके लिए तो सर ये था ही कि लीवरेज करेंगे, और ये अब 15 तारीख को वो बच्चे क्या करेंगे, 15 तारीख को वो स्टूडेंट करेंगे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और रिसीवेबल मैनेजमेंट।
रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये हो गया इनका 15 तारीख। जिन्होंने कुछ नहीं कर रखा उन्हें 16 तारीख को भी सीखना ही पड़ेगा, रिवीजन का मौका नहीं है, 16 को सीखना पड़ेगा। अब सर ये चैप्टर अगर वो बच्चा कर लेता है ना 15 तारीख तक, तो देखिए आपका 15 मार्क्स का ये हो जाता है। और एक और चैप्टर डाल देते हैं डिविडेंड, और मैं इससे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मुझे पहले डिविडेंड रखना चाहिए यहां डिविडेंड, ठीक है सर। वैल्यू ऑफ फर्म ना थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है इस तरीके से। अब मैं सिंपल सी बात करूं, 15 तारीख को इनका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, एट द एंड 16 तारीख तक इनका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, और ये सर 17 तारीख तक सुबह पढ़ते रहेंगे। जिनका पूरा सिलेबस है वो तो पूरा कर पाएंगे, जिनका हाफ सिलेबस हो चुका है वो पूरा कर लेंगे, और जिनका कुछ नहीं किया सर गारंटीड इस तरीके से चलिए 4 दिन में कम से कम 60 मार्क्स का तो आप एग्जाम अटेम्प्ट कर ही लेंगे। तो सर 4 दिन में 60 मार्क्स नॉट अ आपका स्मॉल नंबर, एक बड़ा नंबर है ये, आपका करीब 80% पेपर कवर हो जाता है। तो सिंपल सी बात है। एक और मैं बता दूं जो बच्चे कॉमनली चल रहे होंगे सर, सबसे पहले लीवरेज, लीवरेज के बाद सर ईबीआईटी के बाद सर आपका करना है वैल्यू ऑफ फर्म से पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर करना है आपको वैल्यू ऑफ फर्म, हाँ वैल्यू ऑफ फर्म, फिर करना है सर डिविडेंड। सर ये सीक्वेंस फॉलो करना है, लास्ट में उठाएंगे हम वर्किंग कैपिटल के अंदर 3-4 चैप्टर है सारा, उसके बाद आप को लेना है कैपिटल बजटिंग। तो सर मैं ज्यादा प्लान नहीं दे रहा हूं, आज वाला फोकस करिए, कल मैं दोबारा से एक प्लान के साथ आऊंगा जिसके अंदर कैसे पढ़ना है और थ्योरी की भी स्ट्रेटेजी लेके आएंगे। जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा यूट्यूब पे सारी वीडियो पड़ी हुई है, जाइए देखिए। जिनको ज्यादा लेक्चर बन रहा है एप्लीकेशन पे स्टार बना रखा है, नीचे कस्टमर केयर का नंबर दे दिया, उनसे बात करिए, जो भी रीजनेबल प्राइस लगता है आपको लेना है, लगता है कि ले सकते हैं तो फटाफट बाय करके स्टडी स्टार्ट करिए, क्योंकि सेमेस्टर 5 में अगर आप फेल होते हैं तो पूरा साल आपका जाएगा, चाहे एक पेपर में फेल हो एक साल आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा इस केस में, क्योंकि फोर्थ ईयर तो रहेगा नहीं, ये तो फाइनल ईयर है। तो सर YouTube वाले बच्चे YouTube से कर लें, जिनको लगता है सर YouTube पे ज्यादा वीडियो हो रहा है तो एप्लीकेशन के अंदर स्टार लगा के मैंने वीडियो को 25-30% तक रिड्यूस कर दिया है, और जिनको लगता है कि भैया हमें बाय करने में रेट ज्यादा आ रहा है, वहां कस्टमर केयर का नंबर है, वहां से बात करिए, बात करके अपनी क्लासेस को टू बी कंटिन्यू कर सकते हैं, कॉल करके उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। तो आज मुझे प्लान बता दिया, टाइम वेस्ट नहीं करना, 6 बजे तक आप एग्जाम देके घर पहुंच जाओगे, 7 बजे से स्टार्ट कर देना, 7 से 12 तक में आज का एजेंडा डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आपको यही बताना था, तो मिलते हैं कल, कल फिर से मैं स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा आपको, तो कल की वीडियो में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।